आपने क्या किया जी इस वक्त? बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज। अच्छा, तो क्या महसूस कर रही हैं बेटा? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये लाइफ का मेरा बहुत बड़ा इवेंट है जो कि 4 साल की स्टडी के बाद हमें ये मतलब खुशी का मौका मिल रहा है कि हम सारे इकट्ठे हुए हैं और डिग्रीज रिसीव करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ। इस प्रोग्राम में आप क्या मैसेज देना चाहती है? ये प्रोग्राम सही हो जा रहा है अभी तक? जी जी शुक्र है, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नाजरीन, ये इन स्टूडेंट की मदर है, आइए देखते हैं उन घर में बैठी हुई हैं जो ये हमारा प्रोग्राम देखेंगी। मैडम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। क्या पैगाम देखिए उन वालिदैन को, उन वालिदों को जो घर में बैठी हुई हैं? देखें, बहुत प्राउड फील होता है, बच्चियों को निकलना चाहिए। जिस तरह लड़कों के लिए तालीम ज़रूरी है, लड़कियों के लिए भी। देखें, आज मुझे इतना फ़ख्र महसूस हो रहा है जिस तरह मेरी बेटी ने आज आके डिग्री इनको मिल रही है। तो मैं सब मदर्स को कहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए ज़रूर भेजें, अपने स्कूल कॉलेज तक ही ना रखें, यूनिवर्सिटीज़ में भी भेजें, ताकि सबको आज का जो मौका है वो सब मदर्स को मिले, सब पेरेंट्स को मिलना चाहिए। बेटा, आप आगे क्या करने का इरादा है? मेरा इंशाल्लाह अभी फ्यूचर में एमएस करने का इरादा है अब्रॉड से। हुकूमत वक्त से मेरी ये अपील है कि आप इन बच्चे बच्चियों को जिन्होंने आज डिग्रियां वसूल की, इनके लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं ताकि स्कॉलरशिप मिल जाए, इनको ऐसे मौके दिए जाएं, ये आगे जाए रिसर्च करें, इस मुल्क और कौम की खिदमत करें। यूसुफ, रोजनामा बयान।